विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भाई चीन बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और आज 3 साल हो गए पूरे हमारे गलवान घाटी में, जो 20 निहत्ते जवानों को पीट पीट कर जिनकी हत्या कर दी गई थी चीनी सैनिकों के द्वारा, और 76 अधमरे कर दिए गए थे। हालांकि ये सब घटनाक्रम 15 जून का था, 15 जून को जवानों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की हत्या पर मुंह खोलने का साहस आज दिखाया था। मैं भी इस इंतज़ार में था कि देश का प्रधानमंत्री 20 जवान जो तत्काल शहीद हो गए थे, और 21वां बेसन सिंह हवलदार 50 दिन बाद उनकी शहादत हुई। पर मैं आपको इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से एक अपील करता हूं कि पहले इसे ज़रा सुनें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तब क्या कहा था। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त हमारे देश के लिए संबोधन था, जिस वक्त हमारे देश के गलवान घाटी में 20 शहादत दे चुके जवानों की चिताएं जल रही थी। ये उस वक्त का वक्तव्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिस वक्त 76 जवान अधमरे घायल तड़प रहे थे हॉस्पिटलों में, उस समय का वक्त बयान है। हमारी सीमा में न कोई घुस आया है, न हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है, न हमारा किसी पोस्ट पर कोई घुस आया है, कब्जा किया है। ये जो बयान है ये मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनवाया। मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को जब आत्महत्या की थी, जैसे ये समाचार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लगा, 3 मिनट के अंदर तत्काल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त कर दिया था। हमारे देश में आत्महत्या करने वाले सुशांत सिंह राजपूत पर 20,000 से ज़्यादा हिस्टोरियाँ की गई हैं। देश में पूरा पीपली लाइव बना के रखा गया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उस हत्या के पीछे इन्हीं का तो षड्यंत्र नहीं था। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर देश का प्रधानमंत्री 3 मिनट में शोक व्यक्त करता हो, और दूसरी तरफ 15 जून को 20 निहत्ते जवानों की हत्या और 76 जवानों के अधमरे हो जाने के बाद पहले तो 2 दिन तक मुँह न खोल सके, फिर मुंह खोलने के बाद जो बोला कि यह शहादत भेजा नहीं जाएगी। 17 तारीख का है, 17 जून को 2020 को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा लिया गया था चीनी बैंक से। और फिर 19 जून को मुझे याद है आल पार्टी मीटिंग के बाद ये वक्तव्य मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या हुआ था। अगर कोई घुसा नहीं था सीमा पर, किसी का कब्जा नहीं था, तो आप सब देशवासी याद करें, नरेंद्र मोदी ने कहा था, ऐलान किया मैंने, देश के सारे जो चीनी ऐप्स हैं ये बंद कर दिए, उन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मार्ग का जो ठेका था 1100 करोड़ रुपए का चीनी कंपनी का, उसे रद्द कर दिया गया था। वाह भाई लूटी गई थी कि देखो। अब दो और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी 24 अप्रैल को हमारे देश के सेना और चीन के सेना अधिकारियों की वार्ता हुई, गलवान हमले के बाद का जिक्र कर रहा हूँ, सीमा विवाद को लेकर के राजनाथ सिंह ने भी ऐलान किया कि हमारी सरकार, हम जो है चीन के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। तब आज हमारे देश के अंदर, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी आए थे तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात की गई थी, और अब पर्चे लहराए जा रहे हैं, पोस्टर लहराए जा रहे हैं चौथी पास राजा के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चौथी पास राजा को लाने वाले, चौथी पास राजा को लाल आंख का दिखाने वाले चीन के आगे, न केवल ये, हमारे विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भाई चीन बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं करते हैं, ये कायर सरकार को लाने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विवेकानंद फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन का मुखिया था अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल आरएसएस का विशेष व्यक्ति जो अभी हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, और विवेकानंद फाउंडेशन के स्थापना करने वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और विवेकानंद फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल को फाइनेंस किया, और अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ सौदा किया,
5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल में बैठे थे, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। मैंने बाद में एक बड़ी मैगजीन, मेरे दोस्त हैं अमित सेन गुप्ता, मैंने परसों उनको फ़ोन किया, उनकी मैगजीन में मैंने बाकायदा माफ़ी मांगी कि मैं इस गिरोह का हिस्सा रहा हूँ। कारण आपको समझना पड़ेगा, तब लोकपाल की बात चल रही थी और पूरे भूख हड़ताल के बाद फिर लोकपाल पर सहमति बनने के बाद अन्ना ने कहा था कि मैं अगस्त में भी करूंगा, और 16 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपको पता है जेल में गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक और फिर रामला मैदान में अन्ना ने बहुत बड़ी भूख हड़ताल की थी। मैंने उस मंच से कहा था, मैंने अपने देश में लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं देखा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने टेबल के थपथपा करके सदन के अंदर संसद के अंदर अन्ना के आंदोलन का समर्थन किया था। अब मैं आपके सामने यह बात कहना चाह रहा हूँ कि सातवीं पास अन्ना हजारे को खड़ा करके एक प्रयोग किया आरएसएस ने, जो आज बात आ रही है चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, बिना टेलीप्रॉम्प्टर का मोदी का क्या बोलता है, मिमियाने लग जाते हैं मोदी, मिमियाने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्या बोलना है एक शब्द, अगर टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया तो नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इस देश के अंदर, हमारे देश में, इस मान आधुनिक युग में, जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री दुनिया के जाने माने प्रधानमंत्री थे, उनके मुकाबले के लिए चौथी पास को उतारने के लिए आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल के पीठ पर हाथ रख के विवेकानंद फाउंडेशन से पैसा लगा करके एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? क्या भारत में सातवीं पास अन्ना हजारे को नायक बनाया जा सकता है कि नहीं? और तब आपने सुना होगा, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सारा देश हो गया अन्ना, ये नारे गूंजे थे। आज कहाँ है वो अन्ना हजारे? ना अन्ना हजारे गलवान घाटी में निहत्ते जवानों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री के झूठ पर, जो मैंने कहा ना कोई घुसा है, ना घुसाया है, ना हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है। मैं दूसरा सुनाऊंगा, उसमें राजनाथ सिंह कहता है संसद के अंदर कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। तब दोस्तों अन्ना हजारे कहाँ अपनी म्यान में है? अन्ना हजारे ना तो पुलवामा में 40 जवानों की हत्या पर बोला, चौथी पास राजा ने हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करा करके और जहाज की मांग खारिज करा करके जवानों की हत्या करवाई, केंद्र रिजर्व पुलिस की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, और बिहार रेजिमेंट के जवानों की, जून में बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या करवाई गलवान घाटी में, क्योंकि बिहार के चुनाव थे। अन्ना हजारे जवानों पर नहीं बोला, हमारे देश की बेटियां बैठी है पहलवान, इन पर नहीं बोला,